बजट का प्रोविजन कहाँ से आएगा, कितना आएगा, पैसा जेब में है, उधार लाएंगे तो कहाँ से लाएंगे, चलेंगे, इतनी घोषणाओं का अंबार लगा दिया, किताबें भर गई है। लेकिन मैंने आपको 19-20 से लेकर सारा चिट्ठा बताया है कि आपके पुराने बजट भी पूरे नहीं हुए हैं, ये भी केवल और केवल मेरा दावा है। और अगर जिंदा रखा और दोबारा बजट के समय अगर यह मौजूद रहा ना, तो मैं आपकी कलाई खोल के रखूंगा। ये केवल और केवल जूझना पकड़ाने का काम आपने किया है। अगली बार अगर मैं रहा यहाँ तो आप रहोगे, रहना चाहिए आपको, पर मैं दूसरी बार कहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय आप जानते हो, भैरव सिंह साहब ने भी आपकी तरह ही कहा था एक बार कि मैं जीते जी कांग्रेस को नहीं आने दूंगा सत्ता के अंदर, और मैं था प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष था। मैंने कहा सरकार साहब आपके जीते जी सरकार कांग्रेस की आएगी, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप हमारे शासन को देखो। सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना, और मैंने सरकार साहब को याद दिलाया वो जुमला। लेकिन हमें उसका दर्द नहीं होता है कि हमको इस तरह से लोगों को एक तरह से मूर्ख बना करके, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं, 3-2.5 साल में आप एक चीज को भी पूरा कर पाए हो तो मेरा दावा है। आपने एक राइडर लगाया हुआ है, बेरोजगारी भत्ता केवल 1,08,000 बच्चों को ही मिलेगा, जबकि आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 15 लाख बच्चे रजिस्टर्ड है। तो फिर घोषणा क्यों की थी, या तो रोजगार देंगे या तुम्हें भत्ता देंगे, ये किस बात का उदाहरण बताता है? ये इसी बात का उदाहरण बताता है। मैं सोचता हूँ कि लोगों को खुश होने के लिए आपने आंकड़ेबाजी तो जरूर की, लेकिन धरातल पर ये आंकड़े न आप ला सकते हो, ना आपके अधिकारी ला सकते हैं। ये जितनी योजनाएं पड़ रही ना, ये सब केंद्र सरकार के सहयोग से बन रही है। मैं आपको फिर दावत दे रहा हूँ, अगर इनको अलग करके योजनाओं का नाम बताना जो आपने जेब से खर्च किया वो बताना। आज के महीने बजाओ ताली, रख दिया 1600 करोड़ रुपया खर्च होगा। अरे पहले तो हालत देखो, या तो आपकी खर्च करने की सीमा नहीं है, या आप उसको जो आपको यूसी देनी थी वो आप यूसी समय पे नहीं देने के कारण से आपको पैसा समय पे नहीं मिला, उसके कारण से आपके खर्चे बुक नहीं हुए। लेकिन झुंझुना बजाने के लिए बजाओ ताली, खोल दी विश्वविद्यालय, पर चलेगी कि बंद होगी इसका कोई अता पता है किसी को? इसी तरह से आपने देखा, मैं तो सब कहते हैं राजस्थान में पर्याप्त पर्यटन की गुंजाइश है, पर जब बजट का नाम आता है तब सबके कान मुंह सिकुड़ जाते हैं। कैसे विकास होगा, कैसे होगा, इसकी दुर्गति करके आपने रखी है। इस बार पर्यटन भी बजाई, जो ताली बजाए, बजाओ ताली, बजाओ ताली। अब मैं बताता हूँ आपकी बताता हूँ आपको ताली। आप देखिए, ये जो आपका 19-20 का बजट जो भाषण आपने दिया, उस भाषण में वैसे तो आपके घोषणा पत्र में लिखा था 25 का बजट है जो समाप्त हो गया, और आपने कहा कि बस हम अब कमाल कर देंगे। अब दूसरा बजट बताता हूँ, आपने 20-21 में फिर कमाल किया, और 20-21 में आपने फिर कहा कि हम 53,181 लोगों को नौकरी देंगे। कितनी? 53,121, वो भी आपने अलग अलग हेड में दिया, किस में कितनी देंगे किस में, उसकी टोटल लिखी मैंने। और अभी जो तीसरा साल अभी आपने बजट पढ़ा था, अभी 24 तारीख को, तो उस दिन आपने घोषणा की थी कि राजस्थान में 52,350। सबने कहा मजा, कमाल आ गया, कमाल कमाल हो जाएगा। और ये सब मिलाकर के घोषणा हुई है 1,80,125 बच्चों को सरकारी नौकरी की, और हुए कितना है मेरी चुनौती है जवाब देते समय, केवल और केवल आपकी इस भर्ती में से केवल 13,000 बच्चे नौकरी पे लगे, केवल 13,000। बजाओ ताली। अब अगर खुशी में ताली बजाते हैं आपको तकलीफ क्यों होती है, बता दीजिए मुझे। और बजाओ, राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए ताली बज रही है, राजस्थान के विकास के लिए ताली बज रही है, राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए ताली बज रही है। अब आप 19-20 के आलोचना अभी तक भी कर रहे हो, जबकि 20-21 आ चुका है, जा रहा है, 21-22 आ रहा है, तो 19-20 की आलोचना करने के लिए आपने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे, कोई बात नहीं। तो आपने जो आलोचना करने का जो माहौल बनाया मीडिया के अंदर, ये चिंता सरकार को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को करनी चाहिए, मंत्रिमंडल के साथियों को करनी चाहिए, तमाम हमारे साथियों को करना चाहिए।
वो चिंता पूरा विपक्ष कर रहा है। चिंता आपको करनी है कि मुझे करनी है? मैनेजमेंट किया जा रहा हमारे यहाँ वो शानदार है, शानदार है। आपकी सरकार की तुलना में बहुत शानदार है। 500 करोड़ आपने नहीं कहा, आजादी के बाद में सबसे अधिक प्रोविजन किया है 500 करोड़ का ट्रेन इस बार किया है। के महीने में आप कॉलेज कौन से बजट के हेड में खोलोगे और कौन सी क्लास शुरू होगी? खाली कोनी पे घुट नगा करके वोटों के ठगने का धंधा करने के लिए खोलते हो, या केवल उन एमएलए जो स्वर्गवासी हो गए उनको ये समाचार पहुंचाने के लिए कि तुम तो नहीं रहे पर तुम्हारा नाम स्थायी रूप से हम यहाँ रखेंगे? मैं इसका स्वागत करता हूँ आपकी भावना का, तो पर ये बेमौसम बारिश ठीक नहीं लगती। कॉलेज के बारे में पता नहीं, शिक्षा विभाग में आप रहे हुए नेता, कर्मचारी का टीचर रहे हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप जो टीचर थे मेरे ख्याल से आरएसएस में जाने के पहले, आपको तो मालूम है शिक्षा का क्या महत्व होता है। उसके बाद में आपने आलोचना करो कॉलेज कैसे खोल दिया आपने, 88 में 87 कॉलेज चालू हो चुके हैं राजस्थान के अंदर। और तो आपने किरण महेश्वरी के कॉलेज खोलने पे ऑब्जेक्शन कर दिया। अरे अब तो दुनिया में नहीं है, अब तो कम से कम पूर्वाग्रह छोड़ो उनके प्रति, क्या आप लोगों ने इतना बड़ा दिल रखो, कमाल कर दिया। 4 कॉलेज खोला आपने, दिल से मैंने कहा किसी मांगनी करी थी और आपने कह दिया, आपने अपने तो खुद का एग्जाम्पल दे दिया। आप चिरायु हो, लंबी उम्र आपको भगवान दे, और अब संभव नहीं होता सब काम, तो पता नहीं क्यों आपने 4 कॉलेज गर्ल्स कॉलेज, वो भी गर्ल्स कॉलेज, उसके लिए आपके कमेंट मुझे मेरी समझ के परे हैं कि क्यों आपने कमेंट किया है ये मैं नहीं समझ सकता, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी और मेरी एज वित्त मंत्री मेरी भावना समझेंगे, नेता सदन के रूप में समझेंगे कि हमने जानबूझ के 4 जो माननीय सदस्य चले गए अचानक ही, क्योंकि जाने का वक्त अभी नहीं था, बहुत आघात लगा था हम सबको, आपको भी लगा, सबको लगा होगा। इतने मैंने चला करके 4 कॉलेज की घोषणा करी है, गर्ल्स कॉलेज है, मैं इतनी समझता पक्ष विपक्ष इसमें कोई ऐतराज कर सकता है। अगेन घोषित कर दिया 10% GDP को बता दिया, जबकि 1.2% था वो, और पूरा लोन बेस्ड था वो, कोई राज्यों को इमदाद नहीं करी, कोई इंडस्ट्री को नहीं करी, कोई व्यापार को नहीं करी। अगर परचेजिंग पावर बढ़ती लोगों की तो इकोनॉमी ज़्यादा स्थिति मजबूत बनती, उसकी बजाय खाली लोन बेसिस पूरा वो पैकेज दे दिया। मैं समझता हूँ कि उसका खामियाजा पूरा देश को भुगतना पड़ रहा अभी तक भी। सब राज्य सरकारें बोलती नहीं है, जो सरकारें BJP की है पर सब दुखी है वित्तीय रूप से, और मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार भारत सरकार इस पर विचार करेगी किस प्रकार से हम लोग राज्यों को इमदाद दे सकते, जो असली लड़ी लड़ी है अगर कोरोना के अंदर तो लड़ी राज्यों लड़ी थी। आएगा कहाँ से, कैसे इसकी पूर्ति होगी? केवल उधार लो, घी पियो और मस्त रहो, अगर यही रास्ता अपनाना तो आपकी इच्छा भैया। मैं सोचता हूँ राज्य का जो कर भार है आज की तारीख में इस 20 संबंधित, आप बार बार एक ही बात है, मैं सोचता हूँ कि आप कमी रह गई वहाँ निकालो, किसी बात नहीं, लेकिन केंद्र से पैसा नहीं मिलता है। अरे किसी से पैसा लेना, छोटे बच्चे को भी जब किताब पढ़ाने लगते हैं ना तो बच्चे का हौसला उड़ाते हैं, शाबाश ये बहुत अच्छा लिखा, तब तो वो लिखेगा, आप भाटे फेंको उसके ऊपर और फिर कहो कि हमें नहीं देता, ये क्या तरीका है? और जबकि आपका रिकॉर्ड बता रहा है ये कि केंद्र ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। मैं आपको बताता हूँ, हमारा अधिकार हम मांग रहे हैं और दे रहे, तो हमारे पर एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी पार्टी सरकार हो, केंद्र सरकार को देना ही पड़ता है जो कानून के अंतर्गत प्रोविजन है वो मांग रहे हैं, पर जिस रूप में केंद्र सरकार डिक्लेयर कर रही है वो अफसोसजनक है। किस प्रकार से 14 फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 32% से केंद्रीय करों के हिस्से बढ़ेंगे, 42% जाएंगे, 42% जाएंगे। अच्छा मंशा से कहा होगा, केंद्र सरकार को करना पड़ा 32 से 42%, पर साथ में उन्होंने जितनी स्कीमें थी अध्यक्ष महोदय, उन तमाम स्कीमों को उन्होंने जो CSS होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम,
उन सबको उन्होंने तोड़ मोड़ दिया। उनका जो रेशियो था 90-10 का, 80-20 का, 60-40 का, 100-0 का, तो तमाम उन्होंने तोड़ मोड़ कर करके 50 में लेके आ गए। और तो बजट के सारे सेंटीमेंट को खत्म कर दिया। बजट जनता के द्वारा गाड़ी कमाई का पैसा आप और मुझे जनता की चुनाव के बाद मिलता है। हम केवल ट्रस्टी और मुनीम हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। जो हम कोई भीख मंगे को नहीं दे रहे हैं, हम अपने मालिक को दे रहे हैं जिसने खजाना भर के आपको और मुझे दिया है। लेकिन हमने बजट पेश किया है और जो घोषणा की हमने वो रास्ता नहीं तो देखते हुए करी हम लोगों ने। कौशिक महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की तरफ से जो वादे किए गए हैं बजट के अंदर उनको पूरा किया जाएगा। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि पानी से मैनेजमेंट पूरा होगा,